बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय हाल में पेरिस फैशन वीक में रैंप पर अपनी अदाएं दिखाती नजर आई थी। इस फैशन वीक में भी लाडली आराध्या ऐश्वर्या के साथ दिखी थी। अब पेरिस से लौटते ही ऐश्वर्या अपने बेटी आराध्या के संग आईपा अवार्ड्स के लिए रवाना हुई, जहां से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आते ही लोगों ने ऐश्वर्या और आराध्या को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस साल आईपा अवार्ड्स का आयोजन अबू धाबी में हो रहा है, जिससे शाहरुख खान और करण जौहर होस्ट करेंगे। इन तस्वीरों में ऐश्वर्या राय ब्लैक कलर की प्रिंटेड जैकेट पहने नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बालों को खुला रखा हुआ है। इन फोटोज में ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत लग रही है। बेटी आराध्या बच्चन भी मां संग नजर आ रही है, जहां आराध्या ने ब्लू कलर की टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी हुई है। आराध्या बच्चन मां ऐश्वर्या का हाथ थामे नजर आ रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में बेटी आराध्या संग पेरिस फैशन वीक से लौटी है। ऐसे में अब ऐश्वर्या बेटी के साथ आईपा अवार्ड के लिए रवाना हुई है, जिस पर एक यूजर ने सवाल करते हुए लिखा, आराध्या स्कूल नहीं जाती क्या? तो वह एक दूसरे यूजर ने लिखा, आराध्या ने पढ़ाई छोड़ दी है क्या? वही ऐश्वर्या राय ने ब्लैक कलर का बैग ले रखा है। फैंस की निगाह ऐश्वर्या के इस बैग पर टिक गई है। आराध्या बच्चन अपने माँ ऐश्वर्या से बहुत अटैच्ड है। ऐश्वर्या और आराध्या अक्सर क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ जाती है।